जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलास। बेटे एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके पास वैल्यूज गिवन है a प्लस बी इक्वल है 10 के, a माइनस बी इक्वल है 6। a प्लस बी की वैल्यू है 10 और a माइनस बी की वैल्यू है 6। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है हमने इसकी वैल्यू बेटे फाइंड करनी है। तो बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें ये एक्सरसाइज है बेटे, इसको करने के लिए हमें फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्म में आते होंगे तो हम एक्सरसाइज को आसानी के साथ कर लेंगे। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा मैं वो राइट कर देता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है बेटे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटे हम करेंगे क्या, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर जो है वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज ए प्लस बी की बेटे वैल्यू हमारे पास 10 है, ए माइनस बी की वैल्यू बेटे हमारे पास जो है वो 6 है। बेटे जब हमने वैल्यूज पुट कर दिए 10 होल स्क्वायर आ गया प्लस 6 रेज टू पावर स्क्वायर आ जाएगा। हम इसके स्क्वायर बेटे ओपन करते हैं, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। अच्छा बेटे इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 36 इक्वल बेटे 2 a² + b²। अब बेटे देखिए 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर देंगे तो बेटे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 मिनट। ये वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। इसका जो था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है इसका, इसमें आपके पास जो वैल्यूज गिवन है a प्लस बी की वैल्यू बेटा 5 है और a माइनस बी की वैल्यू अंडर रूट 7 है। इसमें हमने a b की जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसमें सबसे पहले बेटा फार्मूला देख लेते हैं जो इसमें अप्लाई करेंगे हम। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बेटा इक्वल है 4ab। ये हम इसमें फार्मूला जो अप्लाई करेंगे। दोनों फार्मूले में जो डिफरेंस है बेटे, जब प्लस होगा तो 2 a² + b² आ जाएगा, जब सेकंड में साइन माइनस आ जाए तो फिर आ जाएगा 4ab के इक्वल है। अब उसी तरीके से इसमें बेटे वैल्यूज जो हम पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज a प्लस बी की जगह पे 5 पुट करेंगे, माइनस का साइन है, a माइनस बी की जगह बेटे अंडर रूट 17 पुट करेंगे, ये हमारे पास है इक्वल टू 4। बेटे 25 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 25 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 17 आ जाएगा। अब इसको मजीद बेटे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25 से 17 को माइनस कर देंगे आ जाएगा 8। 4 बेटे ए बी के साथ मल्टीप्लाई रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई रहा है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा
कर देंगे तो टू वर्ड्स का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन था। अब बेटे आगे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर जो फाइव है, ये क्वेश्चन बेटा सेम है। इसमें से क्वेश्चन नंबर आपको मैं फोर वो करवाता हूँ। सबसे पहले बेटे फार्मूला देख लेते हैं हम, इसमें कौन सा जो है वो अप्लाई करेंगे। तो एक फार्मूला बेटे आप याद रखें, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल है बेटे, जब इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, तो बेटे इसमें आएगा प्लस टू ए बी, फिर टू बी सी प्लस टू सी ए, इस तरीके से बेटे फार्मूला बनेगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबसे पहले तीनों वेरिएबल्स के ऊपर बेटा स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद हमने टू पहले आएगा फिर ए बी लिखेंगे, टू के साथ ए बी, फिर प्लस टू आएगा फिर लिखेंगे बी सी। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा फिर टू लिखेंगे और आ जाएगा सी ए। तो ये हमारे पास बेटा फार्मूला, याद रखना है बेटे फार्मूला अगर आपने खुद क्रिएट करना है, वेरिएबल जो है ए बी सी है, इसकी जगह पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, एक्स वाई जी भी आ सकता है। इसी क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स वाई z क्या ये वेरिएबल है वो यूज हो रहा है। तो बेटे हम यहां पे x y z का ये जो मान लेते हैं फाइंड कर लें, इसका हम पहले फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बना लेते हैं होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो बेटे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, पहले तीनों वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, उसके बाद बेटे 2 लिखेंगे तो ये एक्स वाई सात आएगा, फिर 2 लिखेंगे फिर क्या आ जाएगा वाई जी, फिर आएगा 2 फिर आ जाएगा जी एक्स। ये तीनों वेरिएबल्स बेटे हमने फार्मूला क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद बेटे निकलना क्या है, ये जो अंडरलाइन का वैल्यूज इसमें से हमने 2 को कॉमन निकाल दिया, तो बेटे कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब बेटे ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो पहले आपने इस फॉर्मेट में लेके आना है क्वेश्चन के, उसके बाद जो भी आपके पास वैल्यूज गिवन होंगी वो उसके अंदर बेटा पुट कर देंगे। पुटिंग दी वैल्यूज बेटे x प्लस y प्लस z हमने फाइंड करना है, ये जैसे रहेगा होल स्क्वायर है ये वैसे ही रहेगा।
x plus y plus c whole square as it is. आगे बेटे देखें x square plus y square plus c square, इसकी जो वैल्यू हमारे पास गिवन है 78, इनकी वैल्यू जो है x square plus y square plus c square की वैल्यू हमारे पास है 78 बेटे, वो पुट कर देंगे प्लस का साइन 2 बेटे एज इट इज, और एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू बेटे हमारे पास गिवन है 59, इसको पुट कर देंगे। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे बेटे, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 78 एज इट इज प्लस इसको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 120, ठीक है। यहाँ तक बेटे देखें मैंने क्या किया, हमने जो था क्वेश्चन हमारे पास गिवन था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटे 78 है, x y प्लस y z प्लस z x इक्वल टू 59 है इसकी वैल्यू, x प्लस y प्लस z इसकी वैल्यू बेटे हमें फार्मूला जो है फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का जो फार्मूला था इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, क्रिएट करने का आपको मैंने मेथड बता दिया था, जब ओपन करेंगे तीनों वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और फिर क्या जाएगा प्लस 2 लिखेंगे फार्मूले का 2ab, फिर प्लस का साइन होगा 2bc, फिर प्लस लिखेंगे 2 फार्मूले का होगा 2ca, ये हमारे पास बेटा फार्मूला था। अब इसको हमारे पास वेरिएबल मैंने आपको बताया बेटा चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल जो है वो चेंज है वो हो सकते हैं, तो वेरिएबल जो है हमारे पास x y z है यूज हो रहे हैं, तो x y z होल स्क्वायर अब ओपन करेंगे तीनों वेरिएबल्स के ऊपर बेटा स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy, फिर लिखेंगे प्लस 2yz प्लस 2zx, इसके बाद बेटे हमने फार्मूले का फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया, अंडरलाइन की थी थ्री वैल्यूज में से हमने 2 को बेटा कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद वैल्यूज पुट कर दी x plus y plus z बेटे ये एज इट इज आ जाएगा होल स्क्वायर, x square plus y square plus z square की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 78 plus 2 as it is आ गया, x y plus y z plus z x की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 59। अब बेटे 2 को यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट है बेटा मिस्टेक कर देते हैं कि 78 plus 2 कर देते हैं जो गलत है, आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है 59 के साथ, 2 को 59 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 118, तो बेटा अब इसको ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 196। अब बेटा देखें हमने x plus y plus z होल स्क्वायर, हमने x plus y plus z की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को जब खत्म करना हो तो याद रखें स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, taking square root on both side, ठीक है, दोनों साइड का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। हेलो बेटे ये कट हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से, अच्छा 196 का इसका जो स्क्वायर रूट है बेटे 14 होता है और इसके साथ जो साइन आ जाएगा वो प्लस माइनस का साइन होगा, स्क्वायर रूट के साथ जो साइन होता है वो प्लस माइनस का साइन होता है, याद रखना है। ये बेटे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तक आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो है वो सॉल्व किया है, कल इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट